हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती की। जैसा कि आपने देखा कि जिस भर्ती पर स्टे आ गई है, ऑर्डर जो आया था आज आपका, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं, ये अपडेट है आपकी 1 बजे की, ठीक है। लाइव हमने यहाँ पर वीडियो शूट किया हुआ है और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर काउंसलिंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए जा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे हरचंदपुर डाइट है और जो डिस्ट्रिक्ट एटा की है। और यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे तमाम बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी जनरल एक साथ सभी को बुलाया गया है और आपको देख रहे होंगे कि बढ़ चढ़ के लोग पहले ही दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच गए हैं। इसके बावजूद भी कि आज ऑर्डर आना था, लेकिन बच्चों ने पहले ही दिन बहुत ज़्यादा आपको क्रेज देखने को मिलेगा इसमें। और ये देखिए बच्चे करा के भी जा रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट भी हो गए हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अभी मैं वो दिखाऊंगा आपको, इसकी रिसीप्ट मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उसके बाद रिसीविंग भी दी गई है इनको। और देखिए कितने बच्चे आए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव अपडेट। देखिए ये हरचंदपुर डाइट है, ये अभी अब तक हमने आपको दिखाया जो बॉयज़ एक साइड में थे, अब हम आपको लेके चल रहे हैं गर्ल्स की तरफ, जहाँ गर्ल्स की काउंसलिंग हो रही है वहाँ लेके जाएंगे। और एक यहाँ पर जो आपका गुणांक के साथ कट ऑफ लगा हुआ है, बच्चों के जो क्रमांक संख्या दी गई है, सूची क्रमांक जो, वो उसमें कट ऑफ भी लगाया गया है, इसको जो आप देख रहे होंगे साइड स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। और जो जो सब बच्चे जैसे भी हैं अपना कट ऑफ देख सकते हैं, कितना किसका गुणांक देख सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने कितने सुपर टेट में नंबर हैं आपके, टेट में कितने हैं, आपका गुणांक कितना बन रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है। आपको कुछ भी अपने तरफ से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यू अभी भी लोग चल रहे हैं और काउंसलिंग करा रहे हैं। हालाँकि हमने अभी अपडेट अपनी जो कुछ सूत्रों के द्वारा पता लगाया, तो ये कासगंज लखनऊ ऐसी जगह पर देखा जाए तो कासगंज में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल नहीं लिए जा रहे हैं, और वहाँ भी ऐसा ही माहौल है, बच्चे आ रहे हैं लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं लिए जा रहे हैं। अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी यही हाल है। लखनऊ में भी आदेश के मुताबिक बच्चों से कोई भी अभी तक डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए गए हैं। उसके बाद अगर अभी देख रहे हैं, नया अपडेट आ रहा है, जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया हुआ है कि हर जगह अब आदेश दिया जाएगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया जाए। दोस्तों देखना है कि इसमें अब क्या मोड़ आता है, क्या नया होगा। अगर आपकी मान लो काउंसलिंग रुक गई, ठीक है, इस टाइम, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो आंसर की है वो अगर संशोधित होती है तो 8 मई के बाद जो प्रोसेस आपका रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद जो प्रक्रिया हुई आपकी, जितनी भी काउंसलिंग मतलब जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग वगैरह, वो सारी की सारी चेंज होगी, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन भी चेंज हुआ, माना कि एक क्वेश्चन का जो कॉमन अंक दिया गया या क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया, कुछ भी आंसर की में कुछ चेंजेस किए गए, तो समझ लेना आप कि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होगी रिजल्ट के बाद से, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, हमारे जो जितने भी नियमित व्यूअर हैं उनका कहना है कि इस बार ओवरलैपिंग नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं अपना अपना किसका गुणांक कितना है, सूची क्रमांक कितना है, यहाँ पर ये लिस्ट लगी हुई है। देखिए छात्र देख रहे हैं अपना अपना, यहाँ पर इस तरह से ये फीमेल की लिस्ट है और अभी हम आपको लेके चलते हैं मेल की लिस्ट लगी हुई है। देखिए यहाँ पर मेल की लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ बच्चे फ़ोटो भी ले रहे हैं कुछ अपनी, सूची क्रमांक देख रहे हैं। आप जिला एटा के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जिला एटा से बिलोंग करते हैं जिनके, या फिर जिनको जिला एटा मिला है, तो वो लोग अपडेट रहें, हम उनको पूरा का पूरा यहाँ का प्रोसेस दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए ये था आज का लाइव अपडेट, नेक्स्ट क्या रहता है आगे तो वो हम बात करेंगे आपका अगली वीडियो में। और आप हमारे साथ बने रहिए, अगले सारे स्टेप बाय स्टेप हम आप यहाँ की जो प्रोसेस रहेगी, क्या डिसीजन आता है, आज के बाद कंटिन्यू अपडेट रहेंगे। और फाइल का यहाँ पे जो फाइल सबमिट हो रही है, मैंने उनसे बात की बच्चों से किस तरह की बात फाइलें सबमिट हो रही हैं, मैं फाइल का एक वीडियो बना के लाया हूँ। और अब काउंसलिंग रुक रही है, इसलिए जो बच्चे अभी काउंसलिंग नहीं कराए हैं वो जरा लगातार जुड़े रहिएगा और मैं बताऊँगा कहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है। और जैसा कि हमने आपको अभी रिसीप्ट दिखाई थी, रिसीप्ट पे आप देख रहे थे कि वहाँ पे जो रिसीविंग ली गई है वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो रहे हैं। बीटीसी वालों से कॉलेज अप्रूवल का कोई लेटर नहीं लिया जा रहा है, लेकिन बीएड वालों से लिया जा रहा है। बात करें आय जात वाली की, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका पुराना है तो ले रहे हैं, नहीं है पुराना तो नया भी ले रहे हैं, अभी कोई ऐसी वेरिफिकेशन नहीं चल रहा है, वो अगर कोई दिक्कत होगी तो बाद में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये थी आज की लाइव अपडेट, नेक्स्ट अपडेट के लिए आप लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दी गई है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।